रेलवे अस्पताल में बने कोविड L1 हॉस्पिटल 200 बेड के क्वारंटाइन सेंटर में मरीजों को रखने की पहल शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी के नेतृत्व में मार्क ड्रिल कर वहां पर तैनात डॉक्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय सहित सफाई कर्मचारियों को कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के आने के बाद विशेष सावधानियों को बरतने के साथ साथ उनका किस तरह उपचार किया जाएगा और उस साथ ही उस वार्ड सहित उनसे जुड़े सभी स्थानों और बेड सहित अन्य सामग्रियों की सैनिटाइजिंग करने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर सागर घोड़ेकर, रीजनल कोऑर्डिनेटर WHO डॉक्टर संदीप पटियाल, ASMO WHO कोऑर्डिनेटर एम्बुलेंस सेवा अजय कुमार, नोडल अधिकारी कोरोना वार्ड डॉक्टर एम नाथ, डॉक्टर नंद किशोर, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी डॉक्टर मुस्तफ़ा खान, हेल्प डेस्क मैनेजर अमरनाथ जायसवाल, डॉक्टर तनु वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी ने कहा, एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो कि नंदा नगर 100 बेड TB हॉस्पिटल से चल चुका है और शीघ्र ही रेलवे हॉस्पिटल में पहुंचने वाला है। रेलवे हॉस्पिटल प्रशासन से जुड़े हुए नर्सिंग स्टाफ ध्यान दें, आप लोग सारी तैयारियां देख लें। कुछ ही देर में एम्बुलेंस यहां पहुंच रही है, आगे की सूचना दी जाएगी। धन्यवाद। एम्बुलेंस को दाहिने तरफ मोड़ दें, कोरोना वार्ड इधर लाइन, आप इधर से वार्ड की तरफ चले जाएं। वार्ड की तरफ आप गाड़ी लेकर के एम्बुलेंस लेकर के जा सकते हैं। एम्बुलेंस लेकर चल, एम्बुलेंस लेकर के आप दाहिने से निकल जाएं। अभी मरीज के फोन में से कॉल आएगा, स्टेशन जब भी आएगा आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म रहेगा, बेड डेजिग्नेट कर लेंगे। एम्बुलेंस यहाँ तक अगर आ सकती है तो आप इसको यहाँ तक बुला लेंगे। लीक एक्सपोजर करना कि पेशेंट उतरे और जल्दी से आपके बेड पे चला जाए, कितने कम एक्सपोजर, ठीक है। HA सबसे पहले पेशेंट को रिसीव करेंगे, रिसीव करते वक्त पेशेंट के साथ साथ जो एम्बुलेंस आगे वाले एम्बुलेंस में है उनके पास BHP OD के बाद में फाइल आएगी, रेफरल लेटर होगा, वो पेपर आप ले लेंगे, आप लेंगे लेटर वो पेपर, ठीक है, वो लाके फिर आप हैंड ओवर करेंगे यहाँ पे भी, तो जो PPE में होगा उसको हैंड ओवर करेंगे, उसमें बाकी का जो प्रोटोकॉल था वो आप लेंगे, ठीक है। कंट्री करनी है फुल PPE के साथ मिनिमम 3 बार, अगर कुछ और हर चीज जो है इस कमरे से बाहर जो भी चीज जाएगी, चादर हो गया, कपड़ा हो गया, जो भी चीज जाएगी वो 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन में डिसइंफेक्ट होने के बाद ही जाएगा, ठीक है। आप आधा 30 मिनट रखना है, आधा घंटा रखना है, और आप लोग PPE पहने, कमरा डेजिग्नेट है, PPE उतारने का कमरा डेजिग्नेट है, तो डॉफिंग और डॉनिंग जहाँ करना है वो बिल्कुल डेजिग्नेट रहेगा, और निकलने के बाद आप लोग प्रॉपरली चले जाएंगे, उसके अंदर डस्टबिन भी रखी होगी, बायोमेडिकल वेस्ट भी, वो वहाँ चला जाएगा। कोविड पॉजिटिव मरीज जो कि क्वारंटाइन सेंटर से ललित नारायण स्थित चिकित्सालय में आ रहा है, कृपया सभी पैरामेडिकल स्टाफ और HA हेल्थ असिस्टेंट जो भी हों यहाँ पे आ जाए और एम्बुलेंस करेंगे तो जाने दो।
इंकमिंग कर लिए जी। राम सिंह आप कैसे के जाएंगे, कहां है पेपर कैसे कैसे चरण से क्यों आ रहा है वैसा नहीं उतना चलने में दिक्कत आती है सर, चलता मुश्किल सांस बोलता है हमारा 200 बेडेड रेलवे हॉस्पिटल कोविड 1 अटैच फैसिलिटी के रूप में शासन द्वारा चिन्हित किया गया है। यहाँ के हमारे सारे पैरामेडिक्स डॉक्टर्स सब ट्रेनिंग ले चुके हैं कोविड 19 के लिए, और ये मॉक ड्रिल ये हो रही है कि अगर हमारे केसेस निकलते हैं, अभी तक तो गोरखपुर में कुल 3 पॉजिटिव केसेस हैं जो कि BRD में ट्रीट हो रहे हैं, तीनों स्वस्थ हैं, ठीक हैं। अगर कोई निकलते हैं तो हम एम्बुलेंस से कैसे लाएंगे उनको, उनको यहाँ का स्टाफ कैसे हैंडल करेगा, और उसको वार्ड में कैसे शिफ्ट किया जाएगा, और वार्ड में क्या क्या कार्रवाई होगी उसके लिए सिस्टर्स को और वहाँ के सफाई कर्मियों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, उसी की ये मॉक ड्रिल आज की गई है।